छत्तीसगढ़ की राजनीति में आजकल सियासी गहमागहमी काफी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय की बैठक जनम मानस भवन में हुई। इस बैठक में देश और प्रदेश के आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें संगठन ने कई मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को आमंत्रण देने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जनम मानस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने संघ प्रमुख को छत्तीसगढ़ में विकास देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कौशल्या माता मंदिर, गौठान, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए आमंत्रित किया। गिरीश दुबे ने कहा कि हम विधिवत रूप से आमंत्रित करने पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि संघ प्रमुख भूपेश सरकार के विकास को देखें। संघ की ओर से कहा गया था कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है, आमंत्रण मिलेगा तो स्वीकार करेंगे, इसलिए हम संघ प्रमुख से मिलकर उन्हें आमंत्रित करने पहुंचे थे। इस बीच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे जैनम मानस भवन पहुंचे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कौशल्या मंदिर आने और गौठान देखने आने के लिए आमंत्रण पत्र दिया। कांग्रेस द्वारा इस निमंत्रण को भागवत और आरएसएस के पदाधिकारियों ने स्वीकार भी कर लिया है।